ये देव की वजह कारागार में देना पुरानी जन्मभूमि ये है। हाय दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम ट्रिप पे जा रहे हैं और हम मथुरा और आगरा घूमेंगे। ये हमारे सर हैं और हम सारे मिलके जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा। रुद्रा हाय को से हाय। हाय को दो दिनों का हमारा ट्रिप है और दो दिन में हम होपफुली हम ड्राइव कर रहे हैं अपनी अपनी कार से, अपनी नई क्रेटर से पहली बार जा रहे हैं, तो होपफुली हम चीज़ों को फुल एंजॉय करेंगे। और सब लोग हैं, हमारे साथ आकाश हैं, संजय हैं, शिवम है, नेहा मैम है, मैं हूँ और हमारा सबसे छोटा प्यारा रुद्रांश भी है। माता शेरा वाली तो आपको भी बहुत मजा आएगा देखने में, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक्सप्रेस हाईवे पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से मथुरा 126 किलोमीटर दूर है और अपनी हम जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ हम दो चीजें घूमने वाले, एक मथुरा और एक आगरा। आगरा हम मथुरा के बाद घूमेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब हम थोड़ा रुकने वाले हैं 2 किलोमीटर के बाद, क्योंकि हमें ट्रैवल करते हुए कम से कम आधा घंटे से ऊपर हो चुका है और हम सारे भूखे भी हैं, नाश्ता करके नहीं आए थे। तो वहाँ रुकते हैं, थोड़ा नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। और हमारी मैम हम सब के लिए सैंडविच बना के लेके आई हैं। मैडम थैंक यू। अब हम आ चुके हैं, थोड़ा रेस्ट वगैरह करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया है और ये रुद्रांश हमें जाने नहीं दे रहा है, इसको झूला झूलना यहीं पे मस्ती कर रहा है भागो भागो अंकल बंद कर देंगे। देखिए गाइस, ये अंकल जी हमें अपना सांबर टेस्ट करा रहे हैं और हमारी मैम चेक करके बताएंगी ये कैसा है। नाइस है, काफी अच्छा था इनका सांबर। मैडम क्या कह रही है? फूड पैराडाइज। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो पीछे सब टेस्ट करके बताएंगे। अब आप लोग का आना सफल हुआ यहाँ पे। थैंक यू अंकल, थैंक यू। एंड दिस इज नॉट एन एंड, नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू सी यू फॉर दाल मखनी। ओके। देखिए गाइस क्या कहते हैं, अंकल जी ने हमें अपना सांबर टेस्ट कराया और जो कि काफी अच्छा था। और अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, काफी मजा आया यहाँ नाश्ता वगैरह करके। कट गया, ओ हमारा फास्ट टैग तो भूल गए। नहीं नहीं यहाँ पे पहले नहीं था। अच्छा पहले नहीं था। ओके रुद्रा डांस करो। आंख लगाने आई है बंटल, गोली चल गई डाए। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मथुरा, बस 4-5 किलोमीटर और कृष्ण जी की नगरी में हम पधार चुके हैं। दोस्तों देखिए कलर ऑफ द ऑटोस, बहुत डेंजरस है भाई। क्या डेंजरस है ब्रो? रास्ते में रेलवे लाइन भाई, रेलवे लाइन पहले बनी है, लोग बाद में आए। लोग बाद में आए, सही कह रहे हो सर। बहुत तगड़ा जाम लगाते हैं ये सब। इसमें क्या 2 नंबर में क्या है, पुराना जन्मभूमि आएगा आपके पास में, नया भी आएगा। कुल जाओगे 10 किलोमीटर है और 10 किलोमीटर से आना 3। गाइस यहाँ बंदरों की मस्ती आप देख सकते हैं, सही तगड़ा वाला उधम मचाया हुआ है इन्होंने। क्या देखो मंकी। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मथुरा और यहां से आगे शायद गाड़ियां नहीं जाती हैं, अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी वगैरह लेके आते हैं तो। यहां एक पार्किंग की जगह है जहां पे हमें गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी और इसके आगे हमें रिक्शा वगैरह लेके आगे जाना पड़ेगा। तो अभी हम यही गाड़ी पार्क करने वाले हैं और एक भैया हैं जो कि हमें सारा रूट बता रहे हैं कि कैसे कैसे आप लोग जाओगे और कैसे आप जा सकते हैं और किस साधन के जरिए जा सकते हैं। तो अभी हम वो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं और बाकी फिर आपको शॉर्ट्स दिखाते हैं और जैसे ही हम मंदिर पहुंचते हैं। तो भैया जी से हमारी बात हो गई है, तो सबसे पहले हम मंदिर घूमने वाले हैं जिसका नाम है जन्मभूमि। सही कह रहा हूँ मैं, जन्मभूमि जाने वाले हैं।
तो बैग वगैरह निकाल रहे हैं जो हमें सामान ले जाना है और जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी और नहीं पड़ेगी, और वैसे भी शायद बैग वगैरह वहाँ पर जमा हो जाते हैं। गाड़ी मारी है क्या? ये हमारे बॉडी गार्ड फिल्म में जो सलमान खान थे ना बॉडी गार्ड, ये वही है हमारे। तो शिवम भाई कैसे हो आप? अच्छे। आज हम कहाँ घूमने आए? वृंदावन। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा, देख सकते हो इनकी खुशी चमक चेहरे पे। आप गाड़ी से बाहर निकल के तैयार हैं? हाँ तो आइए फिर, किसका वेट कर रही हैं आप? तो दोस्तों हमने अपनी गाड़ी वहाँ पार्क कर दी है और रिक्शे है हमारी बात हो गई है, तो इस रिक्शे में बैठ के हम घूमने वाले हैं और चलते हैं, देखते हैं कैसा क्या है क्या नहीं, हमें पता तो है नहीं यहाँ के बारे में क्या प्राइस क्या नहीं होता, तो चलिए चलते हैं। 60 किलोमीटर की ड्राइव के बाद फाइनली हम गाजियाबाद से मथुरा पहुँच चुके हैं और अब हम जन्मभूमि की तरफ, श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरफ ई रिक्शा से जा रहे हैं। काफी अच्छा मार्केट है, लोकल मार्केट। दोस्तों हमारी मैम कुछ बताना चाहेंगी, कुछ अनोखी चीजें बताइए मैम। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं जन्मभूमि श्री कृष्ण जी की लोकल मार्केट में। आप इस लोकल मार्केट का भी इजीली शॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटीज है जूतियों की, साड़ीज की, क्राउड वगैरह भी काफी है, काफी क्राउड है, मतलब काफी कंजेस्टेड रोड है ये, बट इट लवली टू वॉक एंड बाय ई रिक्शा एज वेल। ये होली गेट है मथुरा का, मथुरा का होली गेट है, फूलों की होली होती है, देख सकते हैं यहाँ मथुरा के फूलों की होली बहुत फेमस है। गाइस यहाँ से देखना कौन सी ट्रेन जाती होगी। पंडित जी नमस्ते। ये देखो छोटा सा प्यारा सा पप्पी है। रुद्र स्माइल, ये नाम क्या है तुम्हारा, नाम बताओ। मंदिर का बना है, वहाँ मंदिर था, वो मंदिर था किसी पीछा नवी का बजा लेंगे जान फाल जान सही शिक्षा, तो वो मंदिर तोड़ दिया सिकंदर लोधी मोहम्मद जन्ना भी लास्ट तोड़ दिया और इनने तोड़ दिया, ईदगाह बन गया ना, मर गया ना दिया उसको, मर गया ईदगाह, बन गया टीला है वो। और ये वसुदेव है, ये देव की वसुदेव कारागार में थे ना, पुरानी जन्मभूमि ये है, यही जन्मभूमि है पुरानी। नहीं बताओ साहब जो करेगा ये पुरानी जन्मभूमि यही है, ये परकम्बा रहते हैं लोग सर। ईद है हमारा, जय हो जय हो, ईद है जो कन्हैयालाल की जय, हमारा ये हमारे ब्रजवासी है परकम्बा का रास्ता है। तो दोस्तों हमने जन्मभूमि घूमी है जो मथुरा में थी और अब हम वृंदावन की और बढ़ रहे हैं और जन्मभूमि की हम एक भी फुटेज नहीं ले पाए क्योंकि यहाँ अलाउड नहीं है कैमरा वगैरह लेना और हमारे सारे बैग वगैरह जमा हुए, तो चलिए अब बढ़ते हैं वृंदावन की और। तो जहाँ हमारी गाड़ी पार्क करी थी हम वहाँ पर वापस आ चुके हैं और अब यहाँ से हम वृंदावन की और निकलेंगे। और वृंदावन का जो मंदिर रहेगा वो इवनिंग में ही ओपन होता है, खुलता है, तो इसलिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ा और जब तक हमने जन्मभूमि घूमी कृष्ण जी की और मार्केट वगैरह घूमी, खाना पीना खाया, और तो अब वृंदावन की ओर बढ़ते हैं। आओ भाई आकाश बैठो, तो चलिए बढ़ते हैं वृंदावन की ओर। चलिए बढ़ते हैं, थक चुके हैं सारे के सारे, शाम होने को आई है। ये हमारा रुद्रा रो रहा था, चुप हो चुके हैं, पैरों से थके हैं मन से नहीं। हाँ मन से तो कभी नहीं थकेंगे, अभी बहुत सारी चीजें घूमनी है बाकी है। दोस्तों हम प्रेम मंदिर पहुंच चुके हैं जो कि उधर है और हमने फिर से पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाई है और प्रेम मंदिर के बाद हम बाके बिहारी की ओर बढ़ेंगे,
तो चलिए चलते हैं प्रेम मंदिर की और दिखाते हैं आपको आगे कुछ फुटेज और जो भी हम घूमेंगे विजिट करेंगे मस्ती वगैरह। प्रेम मंदिर जहाँ पे हर शाम बस प्रेम 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 श्री कृष्ण जी तो देखो गाइस हमारा प्रेम मंदिर स्टार्ट हो गया है जो कि स्टार्टिंग होता है। दोस्तों हम घूम रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा सुंदर है प्रेम मंदिर, आप बहुत ही ज्यादा सुंदर है। प्रेम बाग हो गया है बागबान और सही में वाकई में काफी सुंदर है यार। एग्जैक्टली बहुत बहुत सुंदर है, इसकी हर एक दीवार पे हर एक जगह पर सिर्फ प्रेम का अभाव है। इट इज अबाउट टू टीच हाउ टू ट्रीट टू पीपल। ये अंदर में जाने देते हैं। तो मैं आपसे ये और चीज कहना चाहूँगा, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और जो अभी तक यहाँ एक बार भी आए एक बार जरूर विजिट करें, आना उसका व्यर्थ नहीं जाएगा और खुशी होकर जाएगा कि आप मस्त जगह आए हैं। हम मैम बिल्कुल, और हम जिस मौसम से आए हैं हमें लगा यहाँ पे काफी ठंडा होगा, हमें थोड़ा सा कम इंजॉयमेंट मिलेगा, बट द वेदर एंड वेरी स्वीट। मैं संजय दोबारा आ चुका हूँ हमारी मल्टन में। बोलिए मैडम, बोलिए बोलिए मैम के साथ नहीं, ये तो बनाई जा रही है, इनका प्रेम खत्म नहीं हो रहा भाई वहाँ से। हाय दोस्तों, हम मथुरा में जितने भी मंदिर थे टेंपल थे सारे के सारे घूम चुके हैं, जैसे प्रेम मंदिर था और बाकी बिहारी मंदिर था जो कि बहुत ज्यादा अच्छे थे और हमें बहुत ज्यादा मजा आया घूमने में, लेकिन अब बहुत बुरी तरीके से थक चुके हैं और होटल पे अब रेस्ट करने के लिए लेटे हुए हैं और खाना ऑर्डर हमने कर दिया है, शायद वो थोड़ा लेट आए। 2 घंटा लगा हमें पहुंचने में मथुरा से, डेंस फॉग था और एक्सप्रेसवे से आए हैं हम, यमुना एक्सप्रेसवे से, ताज एक्सप्रेसवे से, तो काफी टाइम लगा और काफी केयरफुली ड्राइव करना पड़ा क्योंकि हमारी पूरी फैमिली, हमारा बच्चा, सब लोग हम साथ में थे और फाइनली हम होटल पहुंच गए। काफी अच्छा है होटल और हमने इंस्टेंट बुक किया था और मिल गया हमें, अप्रोक्सीमेट 2.5 किलोमीटर फ्रॉम ताज, तो कल हम यहाँ से ताज के लिए जाएंगे। और ये हमारे आकाश जी हैं जिन्होंने सारा फोटो अपलोड मार चुके हैं ये अपने स्टेटस पे और इंस्टा पे, और ये भाई साहब शिवम जी हैं, ये पूरे रास्ते अपनी गर्लफ्रेंड से चैट करते हुए आ रहे थे, लगे पड़े थे भाई क्योंकि सुबह से बात नहीं करी थी, काफी थक गए थे, अब खाना आता है, खाना खाने के बाद हम सोने जाएंगे और कल सुबह फिर वही और आगरा दर्शन है पूरा और देन विल मूव टू दिल्ली। आप लोगों के लिए बस छोटी सी एडवाइस है फ्रॉम ऑल द ट्रिप व्हिच वी इज मतलब जितनी हमने ये इम्पोर्टेंट है कि इन सब जगहों पे स्पेशली वृंदावन में आप महंगे से महंगा प्रसाद नहीं खरीदें, हो सके तो खाली हाथ जाएं, भगवान जी के दर्शन करें और बाहर आकर के किसी गरीब को खिला दें, क्योंकि आप अंदर अगर जाते हैं तो वहां पे पंडित लोगों ने अपना एक रैकेट बनाया हुआ है, वो बिना बोले अपने मुंह में पान रख करके आपको बोलेंगे लाओ 100 रुपए दो और आपके वीआईपी दर्शन कराएंगे। सो गाइस वीआईपी दर्शन और नॉर्मल दर्शन में कोई फर्क नहीं है, आप क्यू में खड़े हो जाइए या फिर आप एंट्रेंस में ही भगवान जी की इतनी अच्छी प्रतिमा और इतने अच्छे दर्शन हो जाते हैं कि आपको ना किसी को 500 रुपीज देने की जरूरत है और ना ही 100 रुपीज देने की जरूरत है, आप जाइए चुपचाप से दर्शन करिए और एग्जिट लीजिए और श्री राधे राधे बोलिए। चश्मा लगा के कोई मत जाना। हाँ ये तो बताने भूल गए, सबसे बैक सेक्शन बंदर आ रही है वहाँ के सारे बंदर बहुत चालाक है, अगर आप चश्मा लगा के गए
तो आपका चश्मा लेके भाग जाएंगे। अगर गलती से आपने लगाया, भूल गए, अगर वो लेके चले गए तो आप उनको फ्रूटी या माजा 10 ले नहीं पड़ेगा भैया। नहीं, आप उनको कुछ और मत दीजिए, फ्रूटी और माजा। हाँ, और वो तुरंत आपको जो आपका सामान है चश्मा जैसे वो वापस कर देंगे, फेंक देंगे, गिरा देंगे। तो कोशिश ये करिए कि अगर ब्रेकेबल स्पैक्स है तो आप लेके लेके जाइए, बट प्रेम मंदिर से लेके और बाके बिहारी के मंदिर तक आप उसको पहनिए मत। और बैकअप के लिए एक जरूर ले जाए, कुछ भी हो सकता है। चाहे जितना आप ध्यान रख ले, कुछ भी हो सकता है। एंड बंदर बहुत स्मार्ट है, वो आपको मुझे लग रहा था है ही नहीं उसने। आपको दिखाएगा भी कि तेरा चश्मा मेरे पास है, ले ले, मुझे चीज आकर के दे और तू ले जा। और लोग वहाँ के वेल एक्सपीरियंस्ड है, आपको आस पड़ोस के लोग इजिली समझा भी देंगे कि आपको उन्हें क्या क्या देंगे। और काफी हेल्पफुल है, वो तुरंत बता देते हैं जी ये करिए और आपका चश्मा मिल जाएगा वापस। ये एक्सपीरियंस मेरे साथ आज हुआ है, जबकि सर को ऑलरेडी पता था। मुझे पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये प्रेम मंदिर के पास होगा। मुझे ये पता था कि वो बाके बिहारी मंदिर के पास होगा। पीछे से आया और सीधा चुपचाप से ले गया विदाउट एनी हानि एंड हार्म। वेरी स्वीट बंदर। चलिए थैंक यू, चलिए थैंक यू, गुड नाइट। तो मिलते हैं कल आगरा की ट्रिप पर, कैसी जाती है? चैंपियन को थकान हो गई है, चैंपियन थक गया हमारा। ओके गाइस, बाय 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 बाय। सो दोस्तों, फाइनली सब उठ चुके हैं और रेडी हो चुके हैं अपना नहा धो के, और अब आगरा की ओर सब निकल रहे हैं और पैकिंग वगैरह हो रही है, अब चेकआउट करेंगे हम। काफी मजा आया, अभी आगे देखते हैं। ये सारे सामान अपना अपना सामान रखते हुए क्या हालत हुई है होटल की। रुद्र आप क्या कर रहे हो? नानी है? जैकेट अभी ऊपर ही रख लूंगा मैं, मतलब बैग में तो रखूंगा नहीं। मैम कितनी हैप्पी लग रही हैं, एक नई सुबह के साथ नई खुशी। ये हमारे बॉडीगार्ड रेडी हो चुके हैं। नहीं, मैं जब बात कर रहे थे इसमें हाँ, मेरा माइक तो नहीं है। बैग वगैरह रख रहे हैं यार। अरे बिल कर लो। हैम पे कुछ खाने के लिए है? मिठाई है। ये हमारे संजय भाई पप्पी के साथ एंजॉय करते हुए प्रसाद खिलाया भी, सब पूरी फैमिली ने खाई इनकी प्रसाद। वाओ, नेम मैम स्माइल। ये ओहो आगरा चले हम। उधर तो वो उड़ रही थी ना। यहाँ देखो, यहाँ फॉग है। शिवम भाई तुम चटपट चटपट क्यों करने लग जाते हो तुरंत ही? लगा लोकेशन लगा रहे हैं। आप बड़े हैं से छोटे हैं? मैं बड़ा है। हम लोकेशन लगा रहे हैं। मैप पे लगाओ भैया। अरे शिवम भाई लगा रहे थे, चटपट चटपट करने लगे फिर। नहीं, ताजमहल वो पार्किंग। बालक बालक बालिका आगे, एक साइड आगे और इससे आगे और इससे आगे और पीछे पीछे पीछे। काफी नियर बाय पहुंच चुके हैं ताजमहल के। जीरा यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, लिखा हुआ जैसे आई लव ताज, और यहाँ नाश्ता करने वाले हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। आज चलेंगे ना हम। ये आ गई देखो वाइट वाली कार। संजय भाई चश्मा लगा के आपको कैसा फील हो रहा है? सब दुनिया पीली पीली दिख रही है हमको, हम परेशान है, हमें सब पीला पीला क्यों दिख रहा है? ये संजय भाई, संजय भाई गिरते हुए हमारे बच गए, गिरते गिरते यार यार वो कैप्चर हो गया। हाँ आराम से भाई।
तो गाइस देखिए टिकट लेके आ चुके हैं हम, अब और अंदर की तरफ चलते हैं। संजय भाई तो गेट पे आए वो कैसे लग रहा है? गेट पे आके ठीक लग रहा है, एक्साइटमेंट हो रही है। टिकट काउंटर वाले बूढ़ों ने दिमाग खराब कर दिया, खुद का भी दिमाग खराब होता है हमारा। तो दोस्तों हम एंटर कर चुके हैं और बढ़ते हैं, आ जाइए। आप देख सकते हैं ये है ताजमहल का मेन गेट जहाँ से हम अंदर की ओर जाने वाले हैं, और सारा तरफ व्यू देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है और क्या ही कहना। आज थोड़ा मौसम भी खिल रहा है। तो दोस्तों फाइनली हम अंदर हैं और देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर चारों तरफ, और ठंड होने के बावजूद भी काफी लोग आए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन मस्त है यार। गाइस कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मौसम मौसम तो थोड़ा ठंडा हो गया है, चिल हो रहा है, लेकिन मजा आ रहा है भीड़ देख के, क्राउड देख के। हम ताजमहल टूर बनवाएंगे आज के। तो हाय दोस्तों, अब क्या कहते हैं, हमने ताजमहल पूरी तरीके से घूम लिया है और जितना भी हमें घूमना था, और अब हम जा रहे हैं आगरा फोर्ट की ओर, वहाँ देखते हैं कैसा होता है कैसा नहीं होता, क्योंकि दोनों ही जगह हमारे लिए नई थी। इसका एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा, शायद हम फ्यूचर में भी दोबारा आएँ, और चलते हैं फोर्ट की तरफ। रुद्रा इधर देखो, बैठ गए अब तो आप। इधर देखो तरफ। हाय अरे टोटल यूज कर लिए, कुछ भी नहीं बचा, मतलब जो लिया ना हो नेत्री वीडियो बची है, फोटो भी सारी यूज करता हूं। गाड़ी पहुंच रही है, लॉन्च वीकेंड पे पहुंचेगी आगरा। फाइनली नाउ विल बी प्रोसीडिंग फॉर आगरा फोर्ट। तो फाइनली दोस्त अब हम आ चुके हैं आगरा फोर्ट के अंदर, और आप देख सकते हैं क्या सुंदर है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको कुछ क्लिप्स दिखाते हैं। देखिए गाइस ये कितना गहरा कुआं है। हे आप दोनों इधर आओ। आप हाँ तुम लोग चलाए जाओगे कि दबाए जाओगे? हाँ तो ये दबाए जाएंगे, नहीं हम केवल मानते हैं हम जलाए जाएंगे। आइए दोस्तों इधर चलते हैं दीवाने खास के अंदर, क्या है शायद इधर काफी छत है, छत है एक तरीके से, छत कह सकते हैं आप, और यहाँ से कहा जाता है कि ताजमहल भी दिखता है ऊपर से, ऊपर से रूप से। वो देखो उधर जो लोग है ना वो एरिया से दिखता है ताजमहल, वहां जो बैठे हुए ये जो है ना एरिया इधर ही है ताजमहल का, अभी वो फॉग में डबो ये लग रहा है, देखो हल्का हल्का दिख रहा है। दिख गया वही है, वही है ताजमहल। हाँ ताजमहल वो है देखना सामने। दोस्तों यहाँ की कलाकारी देखिए, ये कैसा कारीगरी देखिए, पत्थरों की कारीगरी।